तो हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 13, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चालक के ऊपर एक बल आरोपित होता है। मतलब जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे ये एक चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब ये कहोगे कि ये एक अकेला नॉर्थ पोल कहां से आ गया, ये साउथ पोल। देखो ये दो चुंबक ले लो, जैसे ये एक चुंबक है पूरी, इसका इधर साउथ पोल है और ये भी एक पूरी चुंबक है, इसका साउथ पोल है। तो इनके नॉर्थ और साउथ पोल को दूर दूर रख दिया हमने। मतलब इसमें इसके बीच में क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हम यहाँ पे बीच में कोई धारावाही चालक रखते हैं तो उस चालक के ऊपर एक बल आरोपित होता है। क्यों क्यों आरोपित होता है? क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं भाई कि कोई भी धारावाही चालक उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ओस्टेड ने ये बताया था, ये बात बता दी थी कि जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो उस चालक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और जब उस चालक को दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, एक तो उसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र है और उसको दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसके ऊपर बल तो लगेगा ही, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके ऊपर एक बल आरोपित होता है, उसको एक एक्सपेरिमेंट से हम दिखाएंगे। तो हमने दिखाना है कि चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है किसी धारावाही चालक पे, तो हमारे पास कोई ना कोई धारावाही चालक भी होना चाहिए और एक चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए। तो हमने ये एक मैग्नेट ले ली यू शेप की, हॉर्स शू शेप, मतलब घोड़े के नाल की आकार की एक चुंबक लेते हैं और इसकी ये दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ पोल। अब इनके बीच में हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है छड़ चुंबक में, वो होती है उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये इस प्रकार होगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ, इस प्रकार से। अब हमने इसके बीच में एक रख दिया ये धारावाही चालक। ये धारावाही चालक किस प्रकार रखा है, ये छड़, ये जो यू आकार की चुंबक है ये इस प्रकार से ऐसे, और इसमें ये चालक इस प्रकार हमने लटका दिया है, इससे धागे से बांध के। देखो ये धागा बंधा हुआ है और ये इस प्रकार लटका हुआ है ऐसे, और इस चालक के दोनों सिरों को हमने जोड़ दिया है किसी बैटरी से, और ये बैटरी से जोड़ दिया है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, तो ऑन करते ही ये जो चालक होगा, ये जो तार इसमें हमने लटका रखा है, ये क्या करेगा, या एकदम इधर जाएगा या उधर जाएगा, वो निर्भर करता है किस पे, इसमें विद्युत धारा की दिशा पे। अगर विद्युत धारा की दिशा इस साइड से ऐसे गया, करंट ऐसे गया, अभी देखो जब इसमें ऐसे जाएगा करंट, तो हो सकता है कि ये बार की तरफ मूव करे। और अगर हम विद्युत धारा की दिशा को बदल देंगे, मतलब बैटरी के कनेक्शन को बदल देंगे, अगर विद्युत धारा की दिशा ऐसे आएगी तो ये बार की बजाय अंदर की तरफ मूव करेगा। मतलब क्या, इस चालक के ऊपर, ये एक धारावाही चालक है, इसमें करंट है तो ये धारावाही चालक है, इसको रख दिया हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसके ऊपर एक बल आरोपित होता है। ठीक है भाई, ये तो पता चल गया हमें कि इसके ऊपर कोई ना कोई बल आरोपित होता है। ये एक्सपेरिमेंट एक बार पेपर में आया था कि ये एक एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध करके बताइए कि किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है, उसको एक चित्र द्वारा समझाइए। तो ये चित्र, मतलब कहने के मतलब क्या है, ये चित्र पेपर में आ चुका है। तो इसके ऊपर बल लगेगा। अब ये बल क्यों लगता है, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है अभी उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये हमने ऐसे क्यों लिए, ये अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल क्यों लिए, ये हमने इसलिए लिए क्योंकि हमें चाहिए यूनिफॉर्म, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। अगर हम छड़ चुंबक लेते उसमें क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता दुर्बलता बढ़ती जाती है, बढ़ती है घटती रहती है। तो छड़ चुंबक में मैंने बताया कि उसमें क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता वो घटती या बढ़ती रहेगी, क्योंकि हमें पता है उस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां अधिक घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, अधिक प्रबल होता है, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पे ज्यादा खुली होती हैं, वाइड होती है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें वैसा चुंबकीय क्षेत्र नहीं चाहिए जो कहीं पे दुर्बल है कहीं पे प्रबल है, हमें चाहिए यूनिफॉर्म एक समान। तो एक समान के लिए हमने ये ले लिए दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव अलग अलग, इससे क्या होगा, इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र
एक जैसा रहेगा, क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच में समान दूरी रहेगी, तो ये यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इसलिए हमने इस प्रकार के चुंबक का प्रयोग किया है। या फिर यू शेप की चुंबक का प्रयोग करो, जैसे ये था, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा एक समान रहेगा बीच में। अब इसमें हम कोई धारावाही चालक रखेंगे, ये धारावाही चालक रखा, और इसमें विद्युत धारा जब गुजरेगी तो गुजरते ही इसके ऊपर एक बल लगेगा, तो बल लगने से या तो ये पीछे जाएगा, मतलब इस बोर्ड में अंदर की तरफ, या आएगा बाहर की तरफ, ठीक है, बल तो लगेगा ही। अब ये बल इसके ऊपर क्यों लगा वो हम पढ़ने वाले हैं। अब हमें पता है, क्या पता है, कि जब ये चालक है इसमें से विद्युत धारा गुजरती है तो इस चालक के चारों तरफ क्या बनता है, इसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है ये इस प्रकार से। अगर इसमें विद्युत धारा की दिशा ये है, ऊपर की तरफ अगर इसमें विद्युत धारा गुजरती है इस प्रकार, तो चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल से, मतलब क्या है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, जैसे अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के देखूं तो किस प्रकार से होगी, ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, ऐसे ऐसे पकड़ के देखा तो इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब देखो इस पॉइंट पे ये चुंबकीय क्षेत्र ये ऐसे है ना, ये दिशा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यहाँ पे ऐसे है। अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस मैग्नेट के कारण, मतलब चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो इसकी दिशा तो इस साइड है और इसकी इस साइड है, तो मतलब क्या है, यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव होगा दोनों का वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के बल को ये कैंसिल कर देंगे। लेकिन इस साइड देखो, इस साइड इसकी भी दिशा इस साइड है और इसकी भी दिशा इस साइड है, मतलब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा भी इस पॉइंट पे इस साइड ऐसे, और जो ये एक्सटर्नल चुंबक है हमारे पास, बाहरी चुंबक है जो, इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी साइड है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों का प्रभाव आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड से चुंबकीय प्रभाव जुड़ जाएगा तो ये इस साइड से क्या करेगा, ये बल लगाएगा, ठीक है। देखो ये तो बोर्ड के बना हुआ है, 3D में नहीं है, 3D में ये कैसे होगा, एक चुंबक ऐसे रखी है, एक ऐसे रखी है, और जो चालक हमने इसके ऊपर इसमें रख दिया, ऐसे रखे है चालक। अब चालक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ऐसे है, इस साइड वाला तो बल होगा कैंसिल, इस साइड वाला बल रहेगा इसके ऊपर, टोटल जो रिजल्टेंट जो फोर्स है इसमें वो इस साइड रहेगा, तो वो फिर इस पे धक्का लगाएगा जिसके कारण ये नीचे चला जाएगा। बात समझ में आएगी। अगर हम इस चालक में विद्युत धारा की दिशा बदल दे, अब इसमें अगर विद्युत धारा इस साइड से इस साइड आए, तो अगर हम ऐसे लगाएंगे किसका, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, उस थंब रूल के अकॉर्डिंग देखो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है चालक द्वारा ये उल्टा होगा उसकी तरफ, तो फिर बल किस साइड लगेगा, बल लगेगा इसमें, इसमें बल लगेगा, जैसे ये ऐसे था तो बल ऐसे था, तो बल फिर लगेगा क्या, ऊपर की तरफ, ठीक है, एक बार नीचे की तरफ गया था ये, और फिर लगेगा बल वही ऊपर की तरफ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, बल की दिशा बदल जाएगी किसके कारण, विद्युत धारा की दिशा बदलने के कारण। इसमें जो है, इसमें भी सही से दिखाई देता है, क्योंकि ये भी 2D में है, 3D में देखोगे तो ये चुंबक ऐसी होती है और इसके बीच में ये चालक होता है, जब इसके ऊपर बल लगता है तो ये या तो इस साइड जाएगा या इस प्रकार जाएगा, ठीक है। अब लगता क्यों है, आपके पास अगर दो चुंबक हैं तो वो भी तो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं, तो वो बल क्योंकि दो चुंबक हैं तो बल लगाएंगे, इसमें भी तो दो चुंबक बनी है ना, दो चुंबक के क्षेत्र बन गए हैं, तो वो एक दूसरे के बल को या तो कैंसिल करेंगे या उन दोनों का बल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, तो उसके कारण उस चालक के ऊपर बल लगता है। अब लगता किस प्रकार है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई एक साइड का पार्ट तो इसमें कैंसिल हो जाता है और एक साइड का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जुड़ जाता है, जिसके कारण इसके ऊपर बल आरोपित होता है, और ये जो चालक है ये अपनी स्थिति से, वास्तविक स्थिति से मूव कर जाएगा, मतलब दूसरी जगह चला जाएगा। अगर चालक बहुत बड़ा है और चुंबक हल्की है तो चुंबक अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जब अगर ये चालक है, इसके पास
एक चुंबकीय कंपास हमने रख दिया है, तो ये इसकी सुई हिलती है, ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार उतना ही बल इस पे भी लगता है। लेकिन क्या है, ये अगर थोड़ा हैवी है तो बल तो इस पे भी लगेगा उतना ही, लेकिन ये हैवी होने के कारण ये गतिशील नहीं है, मतलब ये मूव करता हुआ दिखाई देगा, ये हल्का था और मूवेबल था तो इसकी जो सुई है वो हिल जाएगी, जबकि इतना ही बल ये भी इसके ऊपर लगाती है जितना ये इसके ऊपर लगाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं या तो चालक मूव करेगा, मतलब कहने का या तो चालक के ऊपर बल लगने से चालक खिसक जाएगा अपनी जगह से, अगर चालक बहुत हैवी होता है तो मैग्नेट जो होती है वो मैग्नेट अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगी। ये होता भी चुंबकीय क्षेत्र पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। तो भाई हमने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का पता लगा लिया कि क्या, कि अगर किसी धारावाही चालक को चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं तो उस धारावाही चालक के ऊपर एक बल आरोपित होता है। ये बात सबसे पहले भाई 1821 में बताई थी, किसने, फैराडे ने। उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट बोला जाता है उसको, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट उसको बोला जाता है। वो ये एक्सपेरिमेंट था जो इस प्रकार का था, बस वो इसमें थोड़ा सा चेंज था, उसके एक्सपेरिमेंट में उसने मरकरी का प्रयोग किया था, लेकिन मैंने इसमें सीधा ही दिखा दिया है, तो इसी टाइप का था वो भी एक्सपेरिमेंट, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट जो माइकल फैराडे ने करके दिखाया था। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। अब इसके ऊपर जो बल लगता है वो तो मैंने आप लोगों को जो एक्चुअल कंसेप्ट था वो बता दिया कि ये मूव किस साइड करेगा, मतलब इसमें बल किस साइड लगेगा, कि एक साइड की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैंसिल हो जाएंगी, दूसरी वाली ऐड हो जाएंगी, तो बल उसमें उस साइड लगेगा। लेकिन इसमें जो बल है उस बल की दिशा के लिए एक रूल है, और वो रूल है क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो ये लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है, अगर कोई पूछ ले कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है, लेफ्ट हैंड थंब रूल किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए है। मतलब क्या, कोई धारावाही चालक है, इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो इस चालक पे जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, वो निकालने के लिए, उस बल की दिशा निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम या फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल। ठीक, किस लिए है वो मैंने बताया। अब इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या कहता है ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार आप अपने बाएं हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाए, या ये कहें कि वो एक दूसरे के ऊपर समकोण हो, जैसे इस प्रकार से, मतलब ये देखो, ये अंगूठा, ये एक दूसरे के ऊपर तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर हमारी पहली उंगली जिसको तर्जनी बोला जाता है, अगर यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और हमारी जो बीच वाली उंगली है यह विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा सदैव चालक के ऊपर लगने वाले बल की दिशा में होगा। ठीक है भाई, जैसे अगर हमें इसी कंसेप्ट को यहां लगाऊं कि देखो ये है नॉर्थ और ये साउथ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब इस साइड ऐसे, और ये जो उंगली है ये बताएगी क्या, विद्युत धारा की दिशा, इस चालक में जो विद्युत धारा की दिशा, तो मैं इसको कैसे अरेंज करूं कि ये विद्युत धारा की दिशा में हो जाए और ये उंगली हो जाए इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो ये होगी और ये होगी भी विद्युत धारा की दिशा, तो इसको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि ये धारा की दिशा में होगी और ये उंगली होगी भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इस प्रकार। तो अंगूठे की डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के अंदर की तरफ, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो इस चालक के ऊपर बल कहां लगेगा, अंदर की तरफ। तो क्यों, क्योंकि हकीकत में ये क्या है, ये इस प्रकार है, ऐसे है चुंबक और चालक इसमें ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना।
इस प्रकार रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो विद्युत धारा इसके अंदर जाएगी तो इस पे जब बल लगेगा तो ये नीचे जाएगा। बात समझ में आएगी? जब विद्युत धारा की दिशा अगर उल्टी कर देंगे तो ये ऊपर आएगा। ठीक है भाई, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है, दोबारा बता देता हूं। इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, बीच वाली उंगली जिसको मध्यमा भी बोला जाता है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के ऊपर समकोण हो या 90 डिग्री का कोण बनाए। तो पहली उंगली तर्जनी चुंबक या क्षेत्र की दिशा में हो, बीच वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा सदैव लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करेगा, मतलब चालक पे जो बल लगेगा उसकी दिशा को निरूपित करेगा। ठीक है भाई, पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना। अब एक बात और याद रखना भाई, देखो ये ऐसे है, इस प्रकार से, ठीक है, मतलब अगर इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाए, ये मैं ये कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये विद्युत धारा की दिशा हो जाएगी, तो ये अंगूठे की किसकी हो जाएगी, ये बल की दिशा हो जाएगी, ये बात याद रखना। अब वैसे बता देता हूं, देखो जब ये दो चुंबक हैं, इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है और हमने इसको चालक को ऐसे रखा, इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसे थी, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था, तो इसके ऊपर बल लगा, मतलब कहने का क्या है, जब विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत धारा, जब इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है तो इसके ऊपर बल आरोपित होता है। अगर हम इस बल को थोड़ा कम कर, सॉरी इस कोण को कम करेंगे ऐसे, तो इसके ऊपर बल तो लगेगा लेकिन बल कम लगेगा। ठीक है, क्यों कम लगेगा, क्योंकि आप इसको तिरछा कर रहे हो थोड़ा सा चालक को, तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र है और इसका चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे को ज्यादा कैंसिल करेगा। फिर इसको थोड़ा और इसका कोण हमने कम कर दिया, एंगल कम कर दिया, तो इस पे बल अब और कम लगेगा। अब हमने क्या किया, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक को इसकी दिशा में ही रख दिया, मतलब क्या, चालक में जो विद्युत धारा है उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में है, वो दोनों एक ही दिशा में, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री का, तो उस समय इस चालक के ऊपर कोई बल आरोपित नहीं होगा। ये बात याद रखना, मतलब क्या, चालक में विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दिशा में अगर 90 डिग्री का कोण है तो उसके ऊपर अधिकतम बल आरोपित होता है, अगर उसमें कोण कम हो जाएगा तो बल भी कम हो जाएगा, और अगर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण है तो इसके ऊपर कोई बल आरोपित नहीं होगा, या तो 0 डिग्री का हो या फिर 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का, तब भी इसके ऊपर कोई बल आरोपित नहीं होगा, ये बात याद रखना। तो हमने क्या पढ़ा भाई, अब इस जो ये हमने पढ़ा पूरा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल लगता है, हमने इसमें क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया भाई कि किसी धारावाही चालक पर बल लगता है और उस बल के, उसके बल का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उस बल की प्रबलता, वो इसके कोण पे निर्भर करती है, किस पे, कोण पे, कि अगर इन दोनों के बीच कोण 90 डिग्री का है तो इनके बीच में अधिकतम बल लगता है, चालक के ऊपर अधिकतम बल लगता है। दूसरा, अगर हम विद्युत धारा की दिशा को विपरीत कर देंगे, मतलब अगर एक साइड से विद्युत धारा आ रही है, तो भाई क्या पढ़ा हमने कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होने पर अधिकतम बल लगता है, किसके बीच में, याद रखना ये चुंबकीय क्षेत्र, जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र और चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के बीच में 90 डिग्री का कोण होने पर अधिकतम बल लगता है। दूसरा क्या, चालक में विद्युत धारा की दिशा विपरीत करने पर बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है। ठीक है, दूसरा ये पढ़ा हमने। तीसरा क्या पढ़ा कि अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल देंगे, मान लो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, उल्टा कर दे, यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ कर दे, तो इस पे लगने वाले बल की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अभी ये दो तीन कंसेप्ट हमने पढ़ लिए। एक और मैं बता देता हूँ कि जब
चालक पे बल लगता है और चालक मूवेबल है मतलब चल सकता है तो चालक चल पड़ेगा, और अगर चालक मूवेबल नहीं है नहीं चलने लायक है तो जो ये मैग्नेट है अगर ये चलने लायक है तो ये चल पड़ेगी। ठीक है भाई, ये कंसेप्ट अपनाया जाता है मतलब ये प्रिंसिपल लागू होता है किसमें, विद्युत मोटर में। ठीक, विद्युत मोटर जो मोटर होती है ना जो पंखे में चलती है मोटर जो हम यूज करते हैं बहुत सारी जगह पे, वो मोटर में यही कंसेप्ट लागू होता है कि उसमें एक चालक होता है और चुंबक होती है, फिर चालक में हम इलेक्ट्रिसिटी छोड़ देते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देता है मतलब अपने जगह से चलना शुरू कर देगा और घूमना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर में हम यही प्रिंसिपल को यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो आज इस वीडियो में यही था बस कि किसी धारावाहिक चालक पे चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है और उसकी दिशा ज्ञात कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।